हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। 30 रुपए में बाइक, 50 रुपए में कार, वॉशिंग करा के लो, मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के पानी पुरोठा विभाग के सामने आज हाजी मोमिन ने मुमरा में चल रहे सर्विस सेंटर के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाजी मोमिन ने पानी पुरोठा विभाग के सामने बाल्टी में पानी भरकर गाड़ियां धोई, विरोध जताया। आखिर पीने के पानी से सर्विस सेंटर का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हाजी मोमिन पानी पुरोठा विभाग के सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के 30 रुपये में कार और बाइक धुलवाएं, इस तरह का आवाज लगाकर वहां पर गाड़ी धुलते हुए ये नजर आए। और साफ इनका कहना है कि पानी पुरोठा विभाग आखिर सर्विस सेंटरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। 30 रुपए में बाइक, 50 रुपए में कार, वॉशिंग करा के लो, 30 रुपए में बाइक, 50 रुपए में कार, आओ आओ आओ, 30 रुपए में बाइक, 50 रुपए में कार, आओ आओ आओ। महानगरपालिका के हद में, मुमरा प्रभाग समिति के हद में ऐसे 45 से 60 सर्विस सेंटर चल रहे हैं जो अनधिकृत पानी की लाइन से चल रहे हैं, जिसको महानगरपालिका के सहायक आयुक्त के जरिए RTI के जरिए हमने माहिती भी ली, हमने उनको पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। और आप देख रहे होंगे मुमरा देवी रोड के ऊपर पहाड़ी भाग में, कैलाश नगर में, संजय नगर में ऊपर पहाड़ी भाग में, सोनाजी नगर ऊपर पहाड़ी भाग में, अमृत नगर परिसर में, ऐसे जो पहाड़ी एरिया है उन पे आज भी लोगों को 100 रुपये और 200 रुपये हंडों से पानी दिया जाता है, जहाँ मतलब पानी का कनेक्शन पहुँचा नहीं गया है। और यहाँ थाने महानगर पालिका के TMC आशीर्वाद वॉशिंग सेंटर, आज मैंने इसकी ओपनिंग की है, और जैसे महानगर पालिका के सहयोग से पानी सभी को मिलता है तो पानी मुझे भी मिलेगा, और वो भी पीने का पानी मिलेगा। यही सामने क्या खुलासा हुआ था RTI में, आपने घाटिया डाला था, बताओ क्या खुलासा किया? उसमें 45 सर्विस सेंटर अनधिकृत है, और मैंने 17/4 को एक पेपर वर्क किया था मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से, जीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से, और मैंने उसमें कहा था कि जितने अपराधी है, जितने पानी चोर है, उनपे इंडियन पेनल कोड अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड 379 की धारा पे और महानगर पालिका की जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाए। लेकिन जब से भाई सुनिए तो यहाँ पे MLA आपका, नगर सेवक आपके, और पावर आपका, फिर भी ये कमी क्यों देखने को मिल रही है? फिर भी आप बिना पावर के दिख रहे हो प्रशासन, इसमें बिना पावर का कोई मसला नहीं है। ये आंदोलन मेरा था और ये वॉइस ऑफ राइट फाउंडेशन के बिहाफ में लिया गया है। अच्छा, एक सामाजिक संस्था के द्वारा? एक सामाजिक संस्था है ये मेरी, उसके बिहाफ में लिया गया है, इसलिए मैंने किसी को भी इतला नहीं की है। पार्टी लेवल पे कब रहेगी प्रशासन इसमें कमजोर की? प्रशासन का पूरा भागीदारी है, प्रशासन पूरा भागीदारी है, प्रशासन ही पूरा भागीदारी है। आप देखो अनधिकृत पानी की पाइपलाइन, उनको टैपिंग वगैरह कर कनेक्शन वगैरह करके दिया गया है। तो ये लेकिन जो वॉशिंग सेंटर में कार्रवाई भी हुई थी, कार्रवाई हुई तो मतलब क्या हुआ? वही जैसे अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई होती है, एक आके दीवार तोड़ते हैं, फोटोग्राफी होती है, और वापस वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसी तरीके की कार्रवाई हुई ना, कि आए लाइन तोड़े या ड्रम तोड़े और फिर मतलब वापस वो सर्विस सेंटर चालू है, तो उसको कार्रवाई बोला जाए? या तो आपकी क्या मांगे, क्या करना चाहिए उनको, कार्रवाई यहाँ से बंद होना चाहिए। जितने अनधिकृत सर्विस सेंटर है
वो बंद होना चाहिए। और सूत्रों के अनुसार जो अभिजीत बांगर साहब है थाने आयुक्त, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बड़ा अमाउंट दिया स्वच्छता अभियान के लिए। उस अभियान के जरिए भी अगर आप देखोगे तो जगह जगह पे सर्विस सेंटर ओपनली लोगों पे पानी उड़ाते हुए और गंदगी करते हुए, तो ये स्वच्छता अभियान है। इससे मच्छर पैदा होगा, इससे मलेरिया का मामला आएगा, इससे मतलब बहुत सी बीमारियां पैदा होगी। जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं जितने वॉशिंग सेंटर है वो किसी के नगर सेवकों के देख रेख में भी चलते हैं, सब वॉशिंग सेंटर, तो उनसे कार्रवाई की मांग की जा रही है। नहीं, जितने भी सर्विस सेंटर है आना जिनको, वो नगर सेवक का रहो, वो आमदार का रहो, वो खासदार का रहो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो नगर सेवक अपने आशीर्वादों में क्या सर्विस सेंटर चलाए गए? उनको लोक प्रतिनिधि इसलिए बनाया गया है क्या? अगर जैसा आप बोल रहे हैं आपके आरोप के हिसाब से, मुझे तो नहीं लग रहा कि चिल्लर काम नगर सेवक करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते तो मैंने तो 156(3) में कोर्ट में जाकर सहायक आयुक्त को पार्टी बना दूंगा, सहायक आयुक्त के खिलाफ में गुनाह दाखिल करवाने की मांग करूंगा 156(3) में।